पूजा कुमारी फ्रॉम नाथ पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे, साइंस चैप्टर 1। आज डेट है 14 जुलाई 2021 और आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 4 का चैप्टर 1, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लैनेट। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अपार, ए पी ए आर टी, अपार मीन्स अलग। एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल मीन्स खास। सी ए टी ई जी ओ आर वाई, कैटेगरी मीन्स श्रेणी। पी ए आर ए एस आई टी आई सी, पैरासाइटिक मीन्स परजीवी। एम ओ यू ए डी एस, वर्ड्स मीन्स फफूंदी। पिगमेंट, पी आई जी एम ई ए टी, पिगमेंट मीन्स रंग। डी ई सी ए वाई, डीके मीन्स सड़ा गला। इंसेक्टिवोरस, आई एन एस ई सी टी आई वी ओ आर ओ यू एस, इंसेक्टिवोरस मीन्स कीट भक्षी। ट्रैप, टी आर ए पी, ट्रैप मीन्स फंसाना। डी ई आर आई वी ई, डेराइव मीन्स प्राप्त करना। ए यू टी आर आई ई एन टी एस, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसमें अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमारे आते हैं नॉन ग्रीन प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। हम लोग इससे पहले हम टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट के बारे में पढ़े थे और उन दोनों के अलावा जो होता है अदर टाइप ऑफ प्लांट वो है हमारा नॉन ग्रीन प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नॉन ग्रीन प्लांट। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो पौधे होते हैं वो मरे और सड़े हुए पदार्थों पर ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल में हमारा मशरूम और नूट्स है। नेक्स्ट देखिए अ ग्रीन पिगमेंट। अभी हम लोग जानेंगे कि ये जो पौधे होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो इनमें जो होता है इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब हम लोग जानेंगे क्लोरोफिल क्या होता है। तो हम देखेंगे इधर अ ग्रीन पिगमेंट फाइंड इन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल। एक हरा कलर जो कि हरे पौधे में पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये नॉन ग्रीन प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया हमारा मशरूम और मूल्स। और ये जो नॉन ग्रीन जो प्लांट होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये मरे और सड़े हुए पदार्थों पर ग्रो होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट में। इंसेक्टिवोरस प्लांट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं किसको। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे पौधे जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं तो हम लोग उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मीन्स कीट भक्षी पौधे। एग्जाम्पल में हमारा होगा विनस, लाइट्रेट एंड पिक्सल प्लांट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट दैट दे ट्रैप। ये जो पौधे होते हैं ये लोग अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हीं कीड़ों मकोड़ों से जो कि जिसको वो लोग ट्रैप करते हैं, जिसको वो लोग फंसाते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लांट्स। वैसे तो हमारे लाइफ में प्लांट का बहुत सारा यूज है। हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन प्लांट से ही मिलता है। हम लोग को भोजन भी प्लांट से ही मिलता है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग भोजन जो प्राप्त हम लोग को होता है वो प्लांट से ही होता है। नेक्स्ट, प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, फ्लेक्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स, कारपेट एंड रॉप्स। यहाँ बोल रहा है कि पौधों का जो रेशे होते हैं, पौधों के रेशे जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लेक्स, इन सब का यूज हम लोग कपड़ा बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए और रस्सियाँ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वुड ऑफ ट्रीज आर यूज टू मेक फर्नीचर। पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं उसका यूज हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि शीशम ट्री और टिक ट्री। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन, एग्जाम्पल नीम एंड तुलसी। हम लोग जानते हैं कि पौधों का यूज जो है दवाइयाँ बनाने में भी की जाती हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा उदाहरण में नीम और तुलसी का जो पौधा होता है इसका यूज हम लोग मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं। तो ये था हमारा यूजेज ऑफ प्लांट्स।
ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।